राज्यसभा जनजाति अधिकार सुरक्षा प्रसंगे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान टिप्पणी जनजाति अधिकार को सुरक्षा पर संविधान रे प्रावधान रही किंतु अनेक उदाहरण रही जितेबाला संविधान को बदलवार प्रयास करपरी दुर्भाग्यजनक पदक्षेप नि निकटने ओडिशा रे जनजाति जमी को बिक्री करने राज्य कैबिनेट अनुमोदन प्रदान करता संविधान विरोधी निष्पत्ति जनजाति समेत सुबड़ विरोधी बापर निष्पत्ति प्रत्याहर कर जनजाति संविधान अनुमोदित अधिकार सहित सालिस कर अधिकार नहीं। थोड़ा मैं सुरक्षा चाहता हूं, सुरक्षा इसलिए चाहता हूं कि कुछ संविधान के विषय है, संविधान सभी के ऊपर है, सभी की प्रिय है। किसी ने संविधान की व्यवस्थाओं को छेड़छाड़ करने के लिए हिम्मत नहीं करनी चाहिए, कोई सोचना नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे जैसे प्रांत उड़ीसा में संविधान को खिल्ली उड़ाने का बकायदा व्यवस्थित किया जाता है, उच्च ऑफिस से किया जाता है। अभी अभी उड़ीसा की ओर से एक कहा गया कि हमने 169 लिस्ट को भेज दिया। साहब, ये कोई प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है कि आप इतना नंबर हमको दे दो, हम यहां से परसुएट करके दे देंगे। कोई जाति शामिल होना है या डिलीट करना है, उसकी संविधान व्यवस्था ने कुछ एक प्रोसेस डाला है। राज्य की ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी उस पर विमर्श करेगी, उसकी पहले कोई कमीशन बिठेगा, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी उसको विमर्श करेगी, उस राज्य की कैबिनेट, उस राज्य की विधानसभा पारित करके फिर यहां से ट्राइबल अफेयर्स को भेजेगा, ट्राइबल अफेयर्स उसको भेजेगा जनगणना वाला RGI को, RGI उसको वेरीफाई करेगा, फिर उसमें कुछ विसंगति मिलेगा, फिर राज्य से संवाद होगा, तब एक समय में अगर ये पूरा प्रक्रिया हो जाएगी तब जैसे आज हम चार प्रिमिटिव ट्राइब को आज हम लोगों ने आज स्वीकृति दे रहे हैं, 50 ग्रुप को हम स्वीकृति दे रहे हैं, ऐसे ही एक भी, ये मोदी की गारंटी है, ये गारंटियों के ऊपर गारंटी है, एक भी अधिकारी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जाएगा। इसको हमने करके दिखाया, आने वाले दिनों में भी करने वाले हैं। उड़ीसा में अभी भी 120 से ज्यादा प्रपोजल जो यहां एक बार भेजा था उसको कुछ क्वारी के साथ भेज दिया गया है कंप्लाई करने के लिए उड़ीसा को। जितना ही जल्दी उड़ीसा सरकार उसको पूर्णांग भेज देगा, निश्चित रूप में अर्जुन मुंडा जैसे एक सक्षम नेतृत्व उसको इंप्लीमेंट कर देगा। मैं अनुरोध करूंगा मेरे उड़ीसा की प्रभावशाली मित्रों को, उनका प्रभाव खूब है, ये लोग थोड़ा अपनी ताकत लगा के जल्दी, ऋषि बाबू आप तो ट्राइबल आंदोलन से आए हो, मुन्ना बाबू आप तो आदिवासी इलाका से आते हो, आप सभी तो वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हो, मैं आप तीनों से व्यक्तिगत रूप में अपेक्षा करता हूं, आप जाके जो लोग निर्णय करते हैं समझते नहीं समझते उनको समझा के भेजवा दीजिए तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात एक बार कहना चाहता हूं, मैंने जैसे कहा आपकी पीठासीन होने के पहले थोड़ा मेरे चिंता प्रकट किया, यू आर द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इन दिनों में अध्यक्ष महोदय ये हुआ है, उड़ीसा सरकार ने कैबिनेट निर्णय किया कि आदिवासियों की जमीन को जो भारत की संविधान की अनुच्छेद आर्टिकल 244 में प्रिवेंशन ऑफ लैंड अलाइनेशन एक सुरक्षा है, संविधान ने लिखा है, संविधान सभा ने लिखा है, उस सुरक्षा के साथ उड़ीसा में छेड़छाड़ हुई। एक उड़ीसा की कैबिनेट ने एक निर्णय किया कि आदिवासियों की जमीन को भी बिक्री कर दिया जा सकता है। सब आदिवासी समाज में आक्रोश हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, कुछ आपत्तियां उठी कि भाई कैसे आपने तय किया, कैबिनेट आने के पहले ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी से ये क्या पारित हुई थी क्या, फिर तहकीकात किया गया, चर्चा हुई ना, नौरेवा गुंजर हत्या कर दिया गया है। एक तो मेरे राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बैठती नहीं, कोई सचिव नहीं रहता है सालों तक, अभी अभी कोई सचिव महोदय है, कोई सालों तक वहां ट्राइबल अफेयर्स के बारे में सचिव नहीं थे। एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की एनेक्सर में इस प्रकार की कुछ चीजों को चुपचाप से भर्ती करके कर दिया गया, ये कहा गया। बहुत विरोध होने के बाद अभी अभी फिर दोबारा उस निर्णय को पलटा दिया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं, कम से कम देर सही दुरुस्त बुद्धि तो आई, गलती करने से आप खुद को वंचित किया, लेकिन
ये कोई विषय का नहीं, जिसकी मन में सर जिसकी मन में एक बार आदिवासियों का जमीन हड़पने का किसी के मन में खून लग गई तो सर देर सवेरे आ ही जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की संरक्षण चाहता हूँ, कृपया आप करके इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था को छेड़छाड़ करने वाले लोगों को एक चेतावनी दिल्ली से जानी चाहिए, एक संकेत दिल्ली से जानी चाहिए। आदिवासियों की अधिकार को लेकर किसी को भी छेड़छाड़ करने का हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये संविधान सभा की निर्णय है और इस पवित्र गृह जब उड़ीसा की 50 से ज्यादा आदिवासी उपनामधारी समुदाय को न्याय देती है, चार आदिम जनजातियों को जिंदगी का स्वीकृति देती है, आप ये सदन आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी राज्य में, उड़ीसा नहीं, किसी भी राज्य में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार को, सुरक्षा को छेड़छाड़ ना किया जाए। इसी निवेदन के साथ पुनः इस ऐतिहासिक बिल की एक दूरगामी प्रभाव को देखते हुए मैं अत्यंत सहर्ष इसको समर्थन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।